ये है आजमगढ़ के कुकड़ीपुर सखियाओं में विस्तार में फैला क्रॉस वैली इंटरनेशनल स्कूल। क्रॉस वैली आजमगढ़ में अपनी 5 अलग अलग ब्रांचेस द्वारा स्टूडेंट्स को शिक्षित कर रहा है। क्रॉस वैली स्कूल CBSE दिल्ली मान्यता प्राप्त स्कूलों में से एक है। क्रॉस वैली इंटरनेशनल स्कूल में क्लास नर्सरी से लेकर 12th तक के छात्रों को वेल एजुकेटेड टीचर्स द्वारा पढ़ाया जाता है, ताकि यहाँ से शिक्षा प्राप्त कर रहे स्टूडेंट्स के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ न हो। डायल करें 9453724198 या 9450118255। नमस्कार, ABC चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। 24 घंटे के अंदर आजमगढ़ में कोरोना ने एक बार फिर वापसी कर ली है। बुधवार को जनपद कोरोना मुक्त हुआ तो प्रशासन व जनपद वासियों ने राहत की सांस ली थी, लेकिन गुरुवार को दिल्ली से आए शख्स के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने से हड़कंप मच गया। दिल्ली के आजादपुर मंडी में काम करने वाला व्यक्ति अपने परिवार के साथ स्कॉर्पियो कार से गुरुवार सुबह 8 बजे आजमगढ़ पहुंचा। जनपद के रानी की सराय थाना क्षेत्र स्थित घर पहुंचते ही परिवार के मुखिया को दिल्ली से फोन आया कि आपका सैंपल कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। इतना सुनते ही परिवार में हड़कंप मच गया। गांव के प्रधान को इसकी जानकारी मिली तो परिवार को गांव के ही प्राथमिक स्कूल में क्वारंटाइन करा दिया गया। सूचना मिलते ही CMO डॉक्टर AK मिश्रा ने स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर भेजी और संक्रमित मरीज को मेडिकल कॉलेज के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कराया गया। परिवार के अन्य सदस्यों को सठियाओं के शेल्टर होम में क्वारंटाइन कराया गया है। CMO डॉक्टर मिश्रा ने ABC चैनल से मोबाइल पर हुई बातचीत में बताया कि पॉजिटिव मरीज दिल्ली के आजादपुर मंडी में काम करता है। वहां की मंडी समिति ने दिल्ली में ही इसकी जांच कराई थी, जिसकी रिपोर्ट आ जाई है। उन्होंने बताया कि परिवार के अन्य सदस्यों का सैंपल जांच के लिए भेजा जाएगा। एक बार फिर कोरोना की वापसी से ग्रीन जोन का सपना संजोए जनपद वासियों के हाथ निराशा लगी है। पटियाला पंजाब से चलकर यह स्पेशल ट्रेन गुरुवार को जनपद पहुंची। 22 बोगियों की इस ट्रेन में प्रतिबोगी 54 यात्री सवार होकर जनपद आए हैं, जिनमें 1188 प्रवासी मजदूर बताए गए। जिलाधिकारी नागेंद्र प्रसाद सिंह, पुलिस अधीक्षक प्रोफेसर त्रिवेणी सिंह, CMO डॉक्टर AK मिश्रा विभागीय दलबल के साथ ट्रेन के पहुंचने से पूर्व ही कमान संभालते नजर आए। जिलाधिकारी नागेंद्र प्रसाद सिंह ने बताया कि प्रवासी श्रमिकों को उनके घर भेजने के लिए 11 रूट डिजाइन किए गए हैं। बसों के माध्यम से उन्हें गंतव्य तक भेजकर लक्षण के अनुरूप होम क्वारंटाइन या हॉस्पिटलाइज किया जाएगा। प्रवासी मजदूर जो पंजाब पटियाला से चल करके आएंगे और अभी आधे घंटे में आने की उम्मीद है, इसमें से सभी आजमगढ़ के ही बताए गए हैं। लेकिन सूची पढ़ने से 2-3 लोग उसमें जौनपुर अम्बेडकर नगर के भी हैं। जो भी आएंगे उनका यहाँ स्क्रीन करके और जो प्रोटोकॉल है शासन का उसके अनुसार उनका होम क्वारंटाइन या हॉस्पिटल क्वारंटाइन की व्यवस्था की। तो यहाँ पर जो इंतजाम किए गए हैं किस तरीके का इंतजाम है, क्या यहीं पर उनको जो है? हाँ, हमारे स्वास्थ्य विभाग की 15 टीमें हैं, 22 बोगियाँ हैं, हर बोगी में 54 लोग आ रहे हैं। एक एक डेढ़ बोगी लगभग एक टीम को देखना है और हर टीम पर एक हर बोगी पर एक पुलिस वाले रहेंगे, लेखपाल रहेंगे, उनके नाम नोट करेंगे और उनका स्क्रीन होगा। स्क्रीन करने के बाद रूट वाइज गाड़ियां लगी हैं जो उनके घरों तक पहुंचाएंगी और फिर घरों पर जो होम क्वारंटाइन की नोटिस होगी और उनको खाद्यान्न का किट भी दिया जाएगा। पुलिस अधीक्षक प्रोफेसर त्रिवेणी सिंह ने बताया कि कुल 5 स्पेशल ट्रेनें जनपद आने वाली हैं, जिनमें लगभग 5,000 से 6,000 प्रवासी मजदूर होंगे। उन्हें घर तक पहुंचाने के लिए 47 बसें लगा दी गई हैं। देखिए, हमारे कुल 5 ट्रेनें यहां के लिए अलॉटेड हैं, जिससे हमारे करीब 5,000 से 6,000 मजदूर आने वाले हैं। अभी पहली ट्रेन आ रही है, इसमें 1200 करीब लोग हैं। हमने करीब 47 गाड़ियां लगवा रखी हैं। ये आएंगे, इनका हेल्थ चेकअप होगा, उसके बाद उन गाड़ियों से बैठा करके इनको निरीक्षण के दौरान कुछ जो थर्मल स्कैनिंग मशीन है उसमें कुछ डिफेक्टेड पाए गए हैं, क्या था? नहीं, वो डिफेक्टिव नहीं, कुछ थोड़ा सा टेम्परेचर वेरियंस था, कोई ऐसी बात नहीं, कोई खास बात नहीं है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर AK मिश्रा ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग की कुल 15 टीमें यात्रियों की जाँच के लिए लगी हुई हैं।
सर, इस ट्रेन में कितने यात्री हैं और क्या इनकी व्यवस्था की जा रही है चिकित्सा? इस ट्रेन में लगभग 1200 यात्री हैं, श्रमिक 1200 हैं, जो आजमगढ़ और आजमगढ़ के आसपास के विभिन्न जनपदों के हैं। तो प्रशासन के द्वारा ये व्यवस्था की गई है कि जो अन्य जनपद के लोग हैं उनको विभिन्न बसों से उन जनपदों को रवाना कर दिया जाएगा, और जो आजमगढ़ जनपद के लोग हैं उनकी स्क्रीनिंग यहाँ होगी। उनको स्क्रीनिंग करके तहसील वाइज या ब्लॉक वाइज गाड़ियाँ ले जाएंगी और उनको होम क्वारंटाइन कराएंगी। उसके बाद जो शासन का प्रोटोकॉल आया है, एक ग्राम निगरानी समिति बनी है, उसमें हमारे विभाग की आशा है, उसके माध्यम से एक हम लोग फ्लायर, एक पंपलेट्स टाइप का है, उसमें इंस्ट्रक्शंस है, उसको जो भी व्यक्ति होम क्वारंटाइन है उसके घर के दरवाजे पर वो चिपका दिया जाएगा। उसमें सारे इंस्ट्रक्शन लिखे होंगे कि आपको घर से बाहर नहीं निकलना है, टाइम निर्धारित है, आपके घर के एक आदमी को ही निकल के सामान बाहर से ले लेना है, और आशा हमारी हर तीसरे दिन जाके देखेगी, कोई खांसी जुकाम बुखार का लक्षण होगा तो टिक करेगी, उसकी फीडिंग जो पोर्टल पर होगी, और हमारे MOIC अगर कोई संदिग्ध मिलता है हमारे MOIC देखेंगे और उसको फैसिलिटी क्वारंटाइन में ले आएंगे, फिर हम लोग जाँच उसकी भेजेंगे। 15 टीम लगी हुई है, एक टीम में 4 लोग हैं, लगभग 60 लोग हैं, एक हमारे अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी उसके नोडल बनाए गए हैं, DCPM हमारे नोडल हैं, तो ये लोगों की निगरानी में काम चल रहा है। गौरतलब है कि लॉकडाउन में प्रवासी श्रमिकों के हालात बड़े ही दयनीय रहे। प्रदेश का श्रमिक गैर राज्यों में लॉकडाउन के दौरान दयनीय स्थिति झेलने को मजबूर रहा। 1.5 महीने का लॉकडाउन उन पर इस कदर भारी पड़ा कि अन्न के एक एक दाने के लिए उन्हें मोहताज होना पड़ा। सरकार से भी उनकी स्थिति छुपी नहीं रही, जिसे देखते हुए उनकी घर वापसी प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित की जानी शुरू कर दी गई है। वहाँ पे खाने पीने की समस्या ज़्यादा थी हम लोग को, ये सोच लो कल परसों का, हम लोग परसों नर्सों का खाना खाए हैं हम लोग, और सर रास्ते में कोई भी मतलब खाने पीने का व्यवस्था है ही नहीं था, राशन पानी कुछ नहीं था कमरे पे रूम पे, बस यही सोच रहे हैं कैसे मर्जी घर पहुंच जाए। बस घर पहुंचने के बाद अपना राशन है, खेत है, सब कुछ है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ पे 1.5 महीने से हम लोग बैठे हैं, एक दिन भी काम नहीं कर रहे हैं, नहीं कोई राशन वहाँ पे मिलता था। आधार कार्ड से हर बार लिख के 4 बार हम लोग लिखाए, एक बार भी राशन पानी कुछ भी नहीं मिला वहाँ से। काफ़ी मतलब 2-3 दिन हम लोग भूखे रह गए, बस बहुत मतलब परेशानी हो रही थी वहाँ पे। हाँ भैया कहना था ना, खाए पिए की दिक्कत हो रही है, हाँ खाए पिए की दिक्कत हो रही है, हम लोग जाए कि 15 दिन फंस गए, मैं जाए कि बहन की यहाँ गए हैं, परिवार रहे हैं बहन के पास, नहीं मंडल आयुक्त कनक त्रिपाठी द्वारा विगत माह मंडल के तीनों जनपदों में गड्ढा मुक्त की गई सड़कों की रैंडम आधार पर कराई गई स्थलीय चेकिंग में सड़कों की स्थिति अत्यंत दयनीय मिलने पर शासन को इस आशय की संसूचि भेज दी गई है कि तकनीकी समिति गठित कर गड्ढा मुक्त कराई गई सड़कों की शत प्रतिशत जाँच कराकर मंडल के तीनों जनपदों के लोक निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियंता, अशासी अभियंता, सहायक अभियंता, अवर अभियंता एवं अन्य दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाए। मंडलायुक्त श्रीमती त्रिपाठी ने इस संबंध में बताया कि उनके द्वारा मंडल के जनपदों में भ्रमण के दौरान सड़कों की स्थिति अत्यंत खराब मिलने तथा आम जन से शिकायत मिलने पर इसकी जांच कराई गई थी। उन्होंने बताया कि लोक निर्माण विभाग द्वारा वर्ष 2019-20 में मंडल में गड्ढा मुक्त कराई गई सड़कों की जो सूची उपलब्ध कराई गई थी उसमें आजमगढ़ एवं मऊ की 55 एवं बलिया की 81 सड़कें सम्मिलित हैं। मंडलायुक्त कर्म त्रिपाठी ने बताया कि तीनों जनपदों में रैंडम आधार पर सड़कों का स्थलीय सत्यापन मंडलीय अधिकारियों के माध्यम से कराया गया। उन्होंने बताया कि जनपद आजमगढ़ में 5 गड्ढा मुक्त सड़कों का निरीक्षण अधीक्षण अभियंता जल निगम MC श्रीवास्तव द्वारा किया गया, जिसमें सभी सड़कों की स्थिति अत्यंत दयनीय पाई गई। इन सड़कों पर गड्ढा मुक्ति का प्रतिशत 5 से 30 तक ही सीमित पाया गया।
मंडलम श्रीमती त्रिपाठी ने बताया कि जनपद मऊ में 7 सड़कों का रैंडम स्थलीय सत्यापन अधीक्षण अभियंता ग्रामीण अभियंत्रण वीके सिंह द्वारा किया गया। यहां भी सड़कें उखड़ी हुई गड्ढों से भरी एवं जर्जर पाई गईं। इसी प्रकार जनपद बलिया में कराए गए 5 सड़कों के सत्यापन में स्थिति आजमगढ़ एवं मऊ जैसी ही पाई गई। उन्होंने कहा कि तीनों जनपदों में हुए रैंडम आधार पर स्थलीय सत्यापन से स्पष्ट होता है कि गड्ढा मुक्त कराई गई सड़कों में निर्माण कार्य की गुणवत्ता शासन की मंशा के अनुरूप नहीं पाई गई तथा लोक निर्माण विभाग द्वारा इस संबंध में भ्रामक एवं त्रुटिपूर्ण सूचना उपलब्ध कराई गई है, जिससे शासकीय धनराशि का व्यापक पैमाने पर दुरुपयोग किए जाने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। इस प्रकार के कृत्यों से शासन की छवि भी धूमिल हुई है। मंडलायुक्त श्रीमती त्रिपाठी ने कहा कि जांच में पाई गई अनियमितता एवं शासकीय धनराशि के दुरुपयोग की संभावना को दृष्टिगत रखते हुए तकनीकी समिति गठित कर गड्ढा मुक्त कराई गई सड़कों की सत्वसत जांच कराते हुए मंडल के तीनों जनपदों के लोक निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियंता अशस्वी अभियंता सहायक अभियंता अवर अभियंता एवं अन्य दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की संस्तुति शासन को भेजी गई है। राजस्व संग्रहण बढ़ाने के लिए प्रदेश सरकार ने पहले शराब के दामों में बढ़ोतरी की और उसके बाद डीजल पेट्रोल के दामों में बढ़ोतरी कर अपनी राजस्व संग्रहण की मंशा को जाहिर कर दिया। सरकार के द्वारा डीजल पेट्रोल के दामों में की गई बढ़ोतरी से अर्थव्यवस्था के मजबूत होने के कयास भले ही लगाए जा रहे हों, लेकिन सरकार के इस फैसले का सर्वाधिक दुष्प्रभाव मध्यम वर्ग की जनता पर पड़ना लगभग तय है। सरकार द्वारा डीजल पेट्रोल के दामों में की गई बेतहाशा वृद्धि को लोगों ने गलत बताया है। लोगों का कहना था कि तेल विपणन कंपनियों के साथ इंटरनेशनल मार्केट में दाम न बढ़ने के बावजूद पेट्रोल डीजल के दाम में की गई बढ़ोतरी का खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ेगा। डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ने से महंगाई का बढ़ना भी तय है। इस लॉकडाउन में तो जनता खुद ही परेशान हुई है, उस पर गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि मतलब और जो रेट बढ़ाया जा रहा है उसको कम किया जाए कि ताकि आवश्यकताएं उनकी पूरी हो। और जैसे मतलब पेपर में निकला है कि 1-2 रुपया बढ़ा पेट्रोल का दाम और डीजल का दाम, उससे जनता को समस्या होगी। दाम तो बहुत ज़्यादा है, इसको कम होना चाहिए क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ज़्यादा रेट गिरा हुआ है, इसलिए इसका दाम कुछ कम होना चाहिए, आम पब्लिक को राहत मिलनी चाहिए। और डीजल का रेट तो वैसे भी नहीं बढ़ाना चाहिए क्योंकि उससे माल परिवहन की लागत बढ़ जाएगी, महंगाई बढ़ जाएगी उससे। जी जी हाँ जी नहीं, इस पर तो अब दाम उसको बढ़ा के इसको कंट्रोल थोड़ी ना कर सकते हैं हम लोग। दाम तो थोड़ा ग्राहक मतलब कस्टमर को राहत मिलना चाहिए ना हर हाल में। वही वही उसको दोहरी मार पड़ रही ना जनता के ऊपर, कैसे कर चलेगा काम, सारी चीजें तो लॉकडाउन है। सरकार बढ़ा रही भाई, क्या करे, जो सरकार परेशान है तो बढ़ाई भाई करेगी सब कुछ, यही से भरपाई करेगी दारू शराब से। नहीं दारू का बढ़ाना सही है, नहीं पेट्रोल का बढ़ाना सही है, दोनों को सही नहीं है, 200 डाला। कम तो करना चाहिए, पेट्रोल डीजल बंद करा दीजिए, करने की क्या जरूरत है, हर चीज़ बंद है, डॉक्टर फैक्टर सब बंद है, कोई देखने के लिए तैयारा नहीं है, तो क्या जरूरत है सर, चलेगा सब साइकिल से। देश में कोरोना नामक महामारी से बचाव व जागरूकता के लिए DBPG कॉलेज आजमगढ़ के रोवर्स रेंजर्स अधिकारी डॉक्टर पंकज सिंह के द्वारा रोवर्स रेंजर्स विभाग की ओर से एक वीडियो तैयार कराया गया है, जिसमें काशी हिंदू विश्वविद्यालय से शोध छात्र संस्कृति विभाग के नागमणि त्रिपाठी संस्कृति भाषा में तथा रोवर्स रेंजर्स प्रभारी प्रांशु सिंह हिंदी भाषा में व सीनियर NCC कैडेट राय ऐश्वर श्रीवास्तव व प्रियांशु पांडे अंग्रेजी भाषा में व रोवर्स टीम के सदस्य हर्षित बर्नवाल रीतिका यादव रघुवीर यादव अभिषेक यादव प्रीति यादव गौरव गुप्ता अमन रावत अमर बहादुर यादव ने अपनी भागीदारी निभाकर कोरोना के प्रति जागरूक किया है। सर्वेषां कृते नमो नमः। वयं सर्वे जानामः इदानीं समये कोरोना नामको महाविषाणुना सम्पूर्ण जनसत्ता त्रासता सञ्जातः। इत्यस्मिन् समये अस्मात् कोरोना रक्षार्थं किं कर्तव्यं किं न कर्तव्यम् अधुना मार्गेण वर्णनं करोमि। कोरोना सन्ति को
रो न रो अर्थात कोपि बहिः न गच्छेत् गृहे एव तिष्ठन्तु। रो अर्थात रोधयतु परस्पर सम्मेलनम्। न अर्थात नाशयतु हस्तादि कीटाणु हस्त प्रक्षालनेन। एतेन यदा क्रियते तदा कोरोना किं करिष्यति अर्थात कोरोना अस्माकं कोऽपि हानि न करिष्यति। एतेन कामनया सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। जयतु संस्कृतम्, जयतु भारतम्, जय हिंद। जय मित्र, आप सभी लोग जान रहे हमारा देश इस समय कोरोना महामारी से लड़ रहा है। पूरा प्रशासन व स्वच्छता दूत डॉक्टर्स की टीम व सभी लोग कोरोना से लड़ने के लिए लगे हुए हैं। हम लोग भी अपनी सहयोगता घर पे रहकर दे सकते हैं। केवल भारत की सीमाओं पर रहकर भारत की सुरक्षा नहीं हो सकती। हम सब आज अपने घर पर रहकर के भी भारत माता की सेवा कर सकते हैं। आज हमारे पास एक सुनहरा अवसर है जो हमें प्रदान हुआ है कि घर पर रहकर हम भारत माता की सेवा करें और कोरोना वायरस से अपने देश को बचाएं, अपने देश को बर्बाद होने से हम बचा। और साथ ही साथ इस कोरोना महामारी में भी कार्यरत हैं उनका सम्मान करें, उनको आदर करें और जितना भी हो सके हम अपने आसपास जरूरतमंदों की जरूरत की को के लिए आगे आए। जिस हिसाब से नोवल कोरोना वायरस हमारे देश में बहुत तेजी से बढ़ रहा है तो इसका अभी तक कोई इलाज नहीं मिल पाया है ऑल ओवर वर्ल्ड। तो इससे आप फाइट ना लें, प्रिवेंट रहें, बचे रहें, बचाव रखें, घर में रहें, सुरक्षित रहें, अपने को सुरक्षित रखकर अपने परिवार को सुरक्षित रखें। सैनिटाइजर का यूज़ करें, अगर सैनिटाइजर नहीं मिलता है तो आप स्प्रिट का यूज़ कर सकते हैं और भी बहुत तरह के केमिकल हैं। गर्म पानी उनमें फिर डाल के यूज़ करें। बाहर से जो भी चीज़ आ रहे हैं मार्केट से उसको गर्म पानी से सैनिटाइज करें, बाकी प्रिवेंट रखें। All known that is how the novel coronavirus can affect our world. Near about 3 million people are affected and near about 2 lakh people are died. So it is our responsibility to be staying home and be safe, be aware for the novel coronavirus because it is very dangerous for our health and our family and also our country. As we are regarding how the Prime Minister says that our administration blogs and the doctors can be helped to spread this coronavirus. So it is our responsibility to stay home and stay safe. बाहर मत निकलो, लॉकडाउन का पालन करो, फेसबुक व्हाट्सएप स्काइप इंस्टा छोड़ दे, फैमिली से भी बातें करो, लॉकडाउन का पालन करो ना, ऑफिस का काम घर पे करो ना, स्टूडेंट हो तो पढ़ाई करो ना, समय मिला है आगे बढ़ो ना, अपनी संस्कृति के बारे में इस खाली समय में जानो ना, मॉर्निंग वॉक को अवॉइड करो ना, घर पर ही योगा करो ना, अच्छे फ्यूचर के लिए प्रे करो ना, डॉक्टर्स की रिस्पेक्ट करो ना, ज्यादा डरो ना, सब सही हो जाएगा, जस्ट बिलीव करो। जय हिंद, जय भारत। एक से दो ऐप डाउनलोड करो, घर से निकलो ना, घर में ही रहो। अपने एसएससी तेजस्वी डीएम साहब का धन्यवाद करो ना, अगर ऑफिस जाते हो ऑफिस का काम घर पे ही करो ना, स्टूडेंट हो तो घर पे ही पढ़ो ना, कुछ समय मिला है आगे बढ़ो ना, साधु का धन्यवाद करो ना। समूची दुनिया को प्रेम, शांति व अहिंसा का संदेश देने वाले महात्मा बुद्ध की जयंती, ज्ञान प्राप्ति की तिथि बुद्ध पूर्णिमा के रूप में जनपद में भी हर्षोल्लासपूर्वक मनाई गई। ज्ञान के प्रकाश से पूरी दुनिया को नई रोशनी देने वाले महात्मा बुद्ध को बुद्ध पूर्णिमा पर जिलाधिकारी नागेंद्र प्रसाद सिंह ने भी नमन किया। हरबसपुर क्षेत्र स्थित तेसरण बुद्ध विहार व अम्बेडकर विद्यालय में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि महात्मा बुद्ध सामाजिक परिवर्तन की बयार के संवाहक थे। अब दीपो भावों के जरिए स्वयं दीपक बनो का संदेश देकर उन्होंने लोगों के अंदर असीम ऊर्जा का जागरण किया। उनका अहिंसा, करुणा व मैत्री का संदेश संपूर्ण मानवता के लिए अमूल्य निधि बना। उन्होंने चित्त में शांति व हृदय में करुणा भाव के जागरण की शिक्षा दी।